बलिया पुलिस दहेज के आरोपी युवक को करीब डेढ़ महीने से बंधक बनाकर थाने में है रखा। आरोपी युवक से कराती है रसोई का काम, बनवाती है रोटी, धुलाती है बर्तन, इंस्पेक्टर नगरा का धोता है कपड़ा, थाने में लगाता है झाड़ू। दहेज हत्या के मामले में एक युवक के खिलाफ न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को उठाया था, जेल ना भेजकर अभी तक रखा है थाने में। आरोपी की मां का आरोप, केस खत्म करने और युवक को छोड़ने के लिए 1.5 लाख की पुलिस ने की है डिमांड। पैसे ना देने की वजह से थाने में पुलिस ने बनाया है बंधक। बलिया की नगरा थाने क्षेत्र की ताबड़ीताव गांव एक बटिया गांव की घटना। हमार ताड़ी बड़ा गांव एक भिटिया घर है। हम सुनील कमाई है। हमारी लड़का के पुलिस ले गई बा नगरा थाना में। लड़का से खाना बनवातिया, बर्तन मजतिया। अशोक प्रधान कहलन कि 1.5 लाख रुपया दो तब तब पुलिस तोहरी लड़का के छोड़ दे। हम गरीब आदमी दे नहीं खी पावत, हमें लड़का के छोड़ नहीं खा पावत। 1.5 महीना हो गई, 1.5 महीना से ऊपर होतिया। किचन और बर्तन धुलाया जाता था, खाना भी बनवाया जाता था और इंस्पेक्टर अपना कपड़ा भी धुलाते थे। आरोपी की माँ का आरोप है मैडम, क्या मामला है? ऐसी कोई शिकायत उस लेडी ने मेरे सामने नहीं की है, लेकिन जैसा अभी आपने एक रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो बयान दे रही है, तो वो अगर चाहे तो उसको लिखित रूप में मुझे दे दे और इसमें जांच होगी। अगर इंस्पेक्टर इस बात के दोषी पाए जाते हैं तो ज़रूर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या मैडम, युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है क्या थाने में? उसके पत्नी की मौत के बाद, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा विवाह का वक्त हो गया था, तो 302/498 दर्ज है। कब हिरासत में लिया गया? पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हिरासत में लेने की कोई बात नहीं है, विवेचना अभी हो चुकी है।